हम करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स की नेक्स्ट वीडियो को हम आगे डिस्कस करते हैं। तो देखिए समझते हैं क्या है ये। लास्ट टाइम हम जो है किसके बारे में स्टडी करके आ चुके हैं, सिमेट्रिक पॉइंट क्या होता है, इनवर्स पॉइंट क्या होता है। अब उसके ऊपर कुछ थ्योरमी है उसको याद कर लेते हैं, इन्हीं के ऊपर हमारा वर्क चलेगा। क्वेश्चन क्या है, थ्योरम देखिए क्या है, कहता है इफ अंडर ए बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन लाइन L1 गोज टू लाइन L2। मान लीजिए ये हमारे पास एक लाइन L1 है, ओके, ये लाइन होगी हमारे पास। दूसरी भी अगर मैं बात करूं, ये हमारे पास सपोज कीजिए ये लाइन है मेरे पास और ये मेरे पास दूसरी लाइन है, और ये लाइन जो है इस लाइन के ऊपर चली गई, लाइन गोज टू लाइन। अगर लाइन लाइन पे चली जाए तो इस लाइन के जो क्या होंगे, सिमेट्रिक पॉइंट होंगे, वो इस लाइन की सिमेट्रिक पॉइंट पे जाएंगे, यानी कि सिमेट्रिक पॉइंट गोज टू सिमेट्रिक पॉइंट। अगर लाइन लाइन के ऊपर जाएगी तो जो सिमेट्रिक पॉइंट होगा वो सिमेट्रिक पॉइंट के ऊपर जाएगा, ओके। सेकंड ये है, अगर हमारे पास जो ये लाइन है और यहां पे क्या हो जाए सर्कल, अगर ये लाइन इस सर्कल पे चली जाए तो क्या होगा। अगर लाइन सर्कल पे चली जाए तो लाइन के क्या होते हैं, सिमेट्रिक पॉइंट। सर्कल के क्या होते हैं, इनवर्स पॉइंट, यानी कि सिमेट्रिक पॉइंट गोज टू इनवर्स पॉइंट, कि जो सिमेट्रिक पॉइंट है वो कहां जाएंगे, इनवर्स पॉइंट पे। फिर ये है, अगर कोई बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन सर्कल कहां पे चला जाए, सर्कल गोज टू सर्कल, अगर सर्कल जो है वो सर्कल के ऊपर चला जाए, सर्कल अगर सर्कल के ऊपर जाता दैट मीन्स क्या कहोगे, इनवर्स पॉइंट जो है वो इनवर्स पॉइंट के ऊपर जाएंगे। दैट मीन्स अंडर ए बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन सर्कल C1 गोज टू सर्कल C2, देन इनवर्स पॉइंट ऑफ सर्कल C1 गोज टू द इनवर्स पॉइंट ऑफ द सर्कल C2। तो जो उनके इनवर्स पॉइंट है वो इनवर्स पॉइंट पे जाएंगे, ओके। फोर्थ, अंडर ए बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन सर्कल C गोज टू लाइन L। अगर सर्कल जो है वो लाइन के ऊपर चला जाए तो क्या होगा, तो उस दौरान आपका जो इनवर्स पॉइंट है वो कहां जाएगा, सिमेट्रिक पॉइंट के ऊपर जाएगा। ये जो चीजें है चार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन करवाता हूं इवेल्युएशन ऑफ BT, और उसके आधार पे हम बहुत सारी क्वेश्चन करेंगे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। समझते हैं क्या है, देखिए। मैप इमेजिनरी पार्ट जेड ग्रेटर देन इक्वल टू 0 टू जेड का मोड लेस देन इक्वल टू 1, यानी अगर डायग्राम को हम ड्रॉ करें, इमेजिनरी पार्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दैट मीन्स ये पोर्शन जेड का मोड लेस देन इक्वल टू 1 यूनिट सर्कल, ये हमारा मान लेते हैं कि ये हमारा कौन सा प्लेन है, जेड प्लेन, ये हमारा है डब्ल्यू प्लेन। दैट मीन्स आपको BT कंस्ट्रक्शन करके दिखाने, BT बना के दिखानी है। वो सभी की सभी BT जो इमेजिनरी पार्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 को यूनिट सर्कल के अंदर भेजती हो। इस टाइप के क्वेश्चनों को कैसे सोल्व किया जाता, कैसे सोचा जाता है, कैसे समझा जाता है, वो देखते हैं। ये जो क्वेश्चन डिपेंड करते हैं वो ये है, पहली बात तो ये देखिए हमारे पास ये क्या है, एक लाइन है, ये क्या है, एक सर्कल है, यानी कि हमें जो है वो सारी की सारी BT बना के दिखानी है, जो लाइन को कहां भेजती हो, सर्कल पे भेजती हो। और मैंने आपको बताया था जब जब लाइन सर्कल पे जाएगी तो तब तब जो सिमेट्रिक पॉइंट है वो कहां जाएंगे, इनवर्स पॉइंट के ऊपर जाएंगे। तो इसके लिए पहले तो इसके इनवर्स पॉइंट निकाल के रख लीजिए, और सर्कल के इनवर्स पॉइंट दो निकाल के रख लेता हूं। एक तो ले लेता हूं मैं 0, और मैंने बताया था जब एक पॉइंट 0 को अप्रोच करता है तो दूसरा पॉइंट किसको अप्रोच करेगा, इन्फिनेटिव को, ओके। पहले तो हमने एक BT बनाई एफ जेड, एफ जेड हमने लिखा ए जेड प्लस बी सी जेड प्लस डी, ओके, ये एक BT है। और हमने लेट कर लिया, लेट W इज इक्वल टू 0 एंड W इज इक्वल टू इन्फिनेटिव इज इनवर्स पॉइंट ऑफ ए सर्कल। मैंने मान लिया ये सर्कल के इनवर्स पॉइंट है, ओके। अगर यहां से हम क्या करें, ए ऊपर से कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, ये जेड प्लस बी बाई ए, और यहां से सी कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, जेड प्लस डी बाई सी, ओके। तो इसका मतलब W का आंसर 0 कब आएगा,
डब्ल्यू का आंसर जीरो तभी आएगा जब जेड का आंसर, क्योंकि एफ जेड का ही नाम क्या होता है, डब्ल्यू। डब्ल्यू का आंसर जीरो कब आएगा, जब जेड का आंसर माइनस बी बाय ए हो। दैट मीन्स आप ये कहोगे जेड इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए, एंड इन्फिनेटिव कब आएगा, माइनस डी बाय सी। जेड इज इक्वल टू माइनस डी बाय सी आर सिमेट्रिक पॉइंट। ये हमारे क्या है, सिमेट्रिक पॉइंट है। किसके सिमेट्रिक पॉइंट है, लाइन के है। आप कहोगे एक बात तो कंफर्म है, इसका डब्ल्यू और इन्फिनेटिव आंसर चाहिए है। इसका इन्फिनेटिव आंसर तो तभी आ सकता है जब सी की वैल्यू नॉन जीरो, तो यहां मेंशन करना होगा सी हमारा जीरो नहीं है। अगर हमारा सी जीरो हो गया, क्या हो गया, अगर हमारा सी जीरो हो गया तो इस पे हमारा वर्क नहीं हो पाएगा। आप कहोगे सर फिर तो हमें ये भी बोलना होगा कि जो ए है वो भी जीरो ना आए। मैं कहूंगा हाँ, ये भी बोलना होगा हमें कि जो ए है वो भी जीरो ना हो। इन जनरल है वो ए और सी हमारे नॉन जीरो पे वर्क चल रहे हो। यानी कि जेड इज इक्वल टू माइनस बी ए, जेड इज इक्वल टू माइनस डी बाई सी आर क्या है, सिमेट्रिक पॉइंट है। मैंने क्या किया, लेट कर लिया यहां कोई पॉइंट है अल्फा, और अल्फा का नाम क्या रख दिया, माइनस का बी बाय ए। अगर ये हमारा अल्फा है जो कि क्या है, माइनस का बी ए, माइनस बी बाय ए, तो मुझे ये पता अबाउट एक्स एक्सिस इसका सिमेट्रिक पॉइंट यहां आएगा, और ये क्या होगा अल्फा का कंजुगेट। और इसका सिमेट्रिक पॉइंट जो है अबाउट एक्स एक्सिस, यानी कि अल्फा कंजुगेट फिर किसका नाम होना चाहिए, माइनस का डी बाई सी का नाम होना चाहिए। मैं कहूंगा हाँ है, यही नाम है। आप कहोगे सर देखिए अल्फा की वैल्यू आपको पता चल गई, अल्फा जो है वो है माइनस का बी बाय ए। दैट मीन्स माइनस अल्फा जो है वो आ गया बी बाय ए। और अल्फा कंजुगेट की बात करें तो ये कितना है, माइनस डी बाय सी। और यहां से अगर अल्फा माइनस अल्फा कंजुगेट की बात करें तो डी बाय सी। ये वैल्यू आने के बाद ले जाके इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, दैट मीन्स हमारा एफ जेड आ चुका। एफ जेड हमारे पास कितना हो चुका, ए जेड माइनस अल्फा सी जेड माइनस अल्फा का कंजुगेट, ये कह के छोड़ दिया। अब जो टारगेट है वो है ए और सी की वैल्यू निकालना। ए और सी की वैल्यू निकाल के पुट कर देंगे, आंसर हो जाएगा। ओके, निकालते ए और सी की वैल्यू, ध्यान से देखना कैसे निकालेंगे। जिसको ये चीज समझ में आ गई उसके लिए आसान है, नहीं आई बहुत ज्यादा टफ रहेगा तुम्हारे लिए। अभी जो है हमारे पास एफ जेड आ चुका, और एफ जेड कितना आ चुका हमारे पास, ये आ चुका ए बाय सी जेड माइनस अल्फा, जेड माइनस अल्फा का कंजुगेट ये आ चुका। अब मेन चीज, बाउंड्री पॉइंट कहाँ जाएगा, बाउंड्री पॉइंट पे। हम ये जानते हैं बाउंड्री गोज टू बाउंड्री, जो बाउंड्री होती है वो बाउंड्री पे जाती है। तो इसका एक बाउंड्री का पॉइंट ले लेते हैं, और इसका एक पॉइंट लेना ये ले लेते हैं, ये आसान है। जेड इज इक्वल टू जीरो, ये बाउंड्री का पॉइंट है। अगर ये इसकी बाउंड्री का पॉइंट है तो आंसर यहां जो आएगा ये इसकी बाउंड्री पे आएगा, और इसकी बाउंड्री क्या है, मोडुलस वन। यानी कि अगर हम बात करें जेड को, अगर हम जीरो ले ले, देन एफ ऑफ जीरो इसका जो मोड है वो कितना आएगा, वन आएगा। क्यों, क्योंकि ये इसकी बाउंड्री का पॉइंट है। एफ लगाने के ये यहां आएगा तो ये इसकी बाउंड्री का पॉइंट है, तो मोडुलस वन आएगा। पुट करो तो एफ जीरो का मोड यानी वन, ये कितना हो जाना है, ए बाय सी इसका मोड, उसका अलग से माइनस अल्फा का मोड, माइनस अल्फा के कंजुगेट का मोड। और हम एक ये जानते हैं एक्स अपॉन में एक्स का मोड ये ऑलवेज वन होता है। क्या होता है, ये ऑलवेज वन, वेयर एक्स नॉन जीरो पे वर्क करते हैं हम। तो यहां से हम क्या कहेंगे, ए बाय सी का मोड आ गया। ए बाय सी का मोड कितना आ चुका, वन। फिर से एक रिजल्ट, क्या है रिजल्ट, अगर एक्स का मोड ए अगर आ हो जाए तो एक्स की वैल्यू क्या होती है, ए इंटू ई की पावर आयोटा थीटा, वेयर थीटा वेरी 0 to 2 पाई। यहां ये वर्क लगाएंगे फॉर्मूला, यहां ए बाय सी का मोड कितना है, वन। तो यहां से हम क्या कहेंगे कि ए बाय सी की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, ई की पावर आयोटा थीटा, वन इंटू, ये आ गई, ले जाके पुट कर दो यहां। तो एफ जेड कितना हो जाएगा हमारे पास, एफ जेड हमारे पास हो जाएगा ई की पावर आयोटा थीटा जेड माइनस एल्फा
जेड माइनस अल्फा का कंजुगेट। और अल्फा के बारे में बोल दो, अल्फा यहां से उठाया है, यहां से उठाने का मतलब इमेजिनरी पार्ट किसका, अल्फा का, ग्रेटर देन जीरो। ये आंसर आ गया। ये क्या आंसर आया है, दिस इज ऑल बिट्टी, ये सारी की सारी वो बिट्टी है, वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है जो इमेजिनरी पार्ट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो को यूनिट सर्कल के अंदर लेके जाती है। क्या बन के तैयार हुई है ये हमारी, ये सभी की सभी वो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है जो इमेजिनरी पार्ट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो को यूनिट सर्कल के अंदर लेके जाती है। ओके, इसके ऊपर नेट का क्वेश्चन है तो हम ये याद रख लेंगे। अब मैंने इसका प्रूफ दे दिया, हम याद रख लेंगे, जब भी हमें क्या निकालनी होगी वो सारी की सारी मैपिंग जो इमेजिनरी पार्ट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो को यूनिट सर्कल पे लेके जाए वो क्या होती है, ई की पावर आयोटा थीटा जेड माइनस अल्फा, जेड माइनस अल्फा का कंजुगेट। ओके, अब आप कहोगे सर इस क्वेश्चन को थोड़ा फेरबदल करें हम, मैं कहूंगा क्या फेरबदल करने की इच्छा है तुम्हारी बताइए। आप कहोगे सर हमारी जो फेर बदल करने की इच्छा है वो ये है कि अभी आपने जो हमें दिया था वो गिवन था इमेजिनरी पार्ट, मैं कहूंगा हाँ। आप कहोगे सर इसको अब कर दो रियल पार्ट, यानी कि रियल पार्ट ऑफ जेड ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब आप ये लेके चलो कि जो रियल पार्ट है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ये यूनिट सर्कल के अंदर हो तो सारी की सारी बिट्टी हम कैसे बना के दिखाएंगे, एक बार इसके बारे में और डिटेल दे दी जाए तो अच्छा रहे। मैं कहूंगा सारी डिटेल अगर मैं दे दूंगा तो फिर तुम क्या करोगे, आप कहोगे सर हम अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। मैं कहूंगा ये बात भी ठीक है, नोट कर लो। आप कहोगे सर पहले तो जो है रियल पार्ट मतलब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ये रहा। ओके, आपको सर ये पॉइंट है और ये भेजना जो है आपको एक यूनिट सर्कल के अंदर है, ये है इसके अंदर भेजना आपको, ये है। मैं कहूंगा चलो ठीक है इसके अंदर भेज देंगे। मैं कहूंगा वही वर्क का जैसे पहले किया था, एफ जेड बनाइए। एफ जेड क्या है हमारे पास, ए जेड प्लस बी सी जेड प्लस डी, ये है। और डब्ल्यू प्लेन के वही से डब्ल्यू प्लेन के जो है इनवर्स पॉइंट ले लेते हैं, डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो एंड डब्ल्यू इज इक्वल टू इन्फिनिटी आर इनवर्स पॉइंट ऑफ ए सर्कल, ये सर्कल के इनवर्स पॉइंट ले लेते हैं। ओके, अगर ये सर्कल के इनवर्स पॉइंट है तो यहां इसके सिमेट्रिक पॉइंट आएंगे, पहले तो यहां से वही ए कॉमन, यहां से सी, ये क्या बनेगा जेड प्लस बी बाय ए जेड प्लस डी बाय सी। तो इसका मतलब क्या कहेंगे, इसका मतलब आप ये बोलोगे देन जेड इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए जेड इज इक्वल टू माइनस डी बाय सी, ये क्या है सिमेट्रिक पॉइंट, ये हमारे सिमेट्रिक पॉइंट है। ओके, ये सिमेट्रिक पॉइंट होने का मतलब एक पॉइंट ले लेता हूं मैं, सपोज करो अल्फा, अल्फा यहां ले लिया मैंने जिसका नाम दे दिया माइनस बी बाय ए। अगर ये अल्फा है अबाउट एक्स एक्स, अब किसके अबाउट वर्क करना होगा, वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर, तो यहां आएगा क्या आएगा ये माइनस अल्फा का कंजुगेट, और माइनस अल्फा कंजुगेट किसका नाम होएगा फिर, ये नाम हो जाएगा हमारा माइनस डी बाय सी का। ये हो गया, यानी अल्फा की वैल्यू आ चुकी हमारे पास, माइनस अल्फा तो आ चुका हमारे पास बी बाय ए, और डी की वैल्यू और अल्फा कंजुगेट ये हमारी वैल्यू आ चुकी बी बाय सी की, सॉरी डी बाय सी की, ये वैल्यू दो हमारे पास आ चुकी। ये दोनों वैल्यू ले जाके यहां पुटअप कर देते हैं, दैट मीन्स आप क्या कहोगे एफ जेड आ गया, एफ जेड कितना आ चुका हमारे पास ए बाय सी जेड माइनस बी बाय ए की वैल्यू माइनस अल्फा, डी बाय सी की वैल्यू अल्फा का कंजुगेट मॉडुलस, ये आ गई हमारे पास। अब फिर से वही काम, किसकी वैल्यू निकालनी, ए बाय सी की वैल्यू निकाल के पुटअप कर देते हैं। आप कहोगे सर फिर से वही काम होगा, मैं कहूंगा क्या काम होगा फिर से, आप कहोगे सर एक इसकी बाउंड्री का पॉइंट ले लेते हैं, और बाउंड्री का पॉइंट लेंगे तो बाउंड्री के ऊपर लाई करेगा, मैं कहूंगा हाँ।
आपको सिर्फ सबसे आसान अच्छा ये है, इस पॉइंट को ले लेते हैं। मैं कहूंगा ये क्या है, आपको सिर्फ पांच। मैं कहूंगा क्यों मजाक कर रहे हो, आपको सिर्फ आप ही मजाक कर रहे हो, साफ साफ दिखाई दे रहा है ओरिजिन है जीरो है, आप पूछ ही क्यों रहे हो ये। चलो मैं कहूंगा चलो तुमसे तो पूछना ही बेकार है, आप कहोगे यस आगे से मत पूछना। तो देखिए अभी जो है जेड को जैसे ही आप जीरो पुट करोगे तो देन एफ ऑफ जीरो, ये इसका जो मॉडुलस आएगा ये वन आएगा। कितना आएगा इसका मॉडुलस? वन। तो यहाँ एफ ऑफ जीरो हो जाना है मॉडुलस, ए बाई सी का मॉडुलस, और ये माइनस एल्फा बाय एल्फा के कंजुगेट का मॉडुलस इसका, यानी यहाँ हो जाना है ए बाई सी का मॉडुलस, और ये फिर से क्या हो जाना है हमारे पास वन। आपको कि सर फिर से वही काम हो गया, ए बाई सी की अगर वैल्यू देखेंगे तो ये आएगी ई की पावर आयोटा थीटा, और थीटा जीरो से लेकर टू पाई पे वेरी करेगा। मैं कहूंगा हाँ, आपको कि सर ये सारी वैल्यू ले जाके इसमें ले जाके पुट कर दो। मैं कहूंगा पुट करने से क्या होगा, आपको कि होगा क्या आंसर आ जाएगा। मैं कहूंगा क्या आंसर आ जाएगा, आपको कि आंसर जो है वो हमारे पास एफ जेड आ गया, ए बाई सी का आंसर ई की पावर आयोटा थीटा जेड माइनस एल्फा जेड प्लस एल्फा का कंजुगेट, वेयर थीटा के बारे में बताओ जीरो से लेके टू पाई पे, वेयर एल्फा के बारे में बताओ कि रियल पार्ट ऑफ एल्फा का ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ये हमारा इसका आंसर हो चुका, यानी कि ये हमारे पास वो सारी की सारी बिट्टी आ चुकी जो रियल पार्ट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो को कहाँ लेके जाती है, यूनिट सर्कल के अंदर लेके जाती है, ये सारी की सारी बिट्टी है। ओके, आप कहोगे सर एक काम कीजिए अभी जो है इसके ऊपर एक नेट का क्वेश्चन सोल्व करवा दीजिए ताकि जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो हमारा एक बार इंक्रीज हो जाए। मैं कहूंगा चलो मैं तो सोल्व करवा दूंगा, पर तुम्हारा भी तो घर के लिए तुम्हें कुछ काम देना चाहिए। आपको कि सर आज मत दीजिए, आज हम कुछ नहीं करेंगे। मैं कहूंगा नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता, तुम्हें कुछ तो काम मिलेगा। आपको चरोल दे दीजिए, आपको क्या निकालनी है ओल बिट्टी, वो सारी की सारी बिट्टी निकाल के दिखानी है जो जेड का जो मॉडुलस लेस देन इक्वल टू वन को डब्ल्यू का मोड यानी कि जेड का मोड लेस देन इक्वल टू वन यानी इसको इसी के अंदर लेके जाती हो। अगर डायग्राम ड्रॉ करे ये है और यहां यही है, यूनिट सर्कल को यूनिट सर्कल के ऊपर लेके जाने वाली वो सारी की सारी बिट्टी तुम्हें ड्रॉ करके दिखानी है। आप कहोगे सर ट्राई करेंगे, कंफर्म नहीं है कि कर पाएंगे क्योंकि आपने अलग क्वेश्चन दे दिया। मैं कहूंगा कोई नहीं, नहीं हुआ तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा, अभी जो करवाया इसके ऊपर एक नेट का क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज हो। आप कहोगे फिर ठीक है आप करवाओगे तो, मैं कहूंगा टेंशन मत लीजिए करवा देंगे, ये ट्राई। तो देखिए फ्रेंड ये क्वेश्चन हमारा आ गया जो अभी हमने क्वेश्चन किया था उससे रिलेटेड है, समझते हैं क्या है। कहता लेट एच, एच में क्या है वो जेड है सच दैट वाई ग्रेटर देन इक्वल टू वाई ग्रेटर देन जीरो, मतलब इमेजिनरी पार्ट जो है जेड का ग्रेटर देन जीरो, अपर हाफ प्लेन को यूनिट सर्कल के अंदर लेके जाना। बाउंड्री दे कोई मतलब नहीं, बाउंड्री तो बाउंड्री पे जाती है, नहीं लगाएगा तो भी। समझने के लिए ये कर लेते हैं हम ताकि आपको याद आ जाए y ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो को कहां भेजना है, z लेस देन इक्वल टू जीरो इस पे भेजना है। और इसको तो अभी हम करके आए थे ये क्वेश्चन, ये मैपिंग तो हमारे पास क्या थी, ये हमारे पास थी e की पावर आयोटा थीटा जेड माइनस एल्फा जेड माइनस एल्फा का कंजुगेट, और क्या था इमेजिनरी पार्ट ऑफ अल्फा ग्रेटर देन जीरो, ये हमारे पास क्वेश्चन था। निकाल के रख लेते हैं अल्फा की वैल्यू। अब अकॉर्डिंग टू ऑप्शन करते हैं सोल्व। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो है क्या कहता है, एफ के अंदर टू आयोटा पुट करने पे कितना आना चाहिए, जीरो करो पुट। तो ये क्या आएगा एफ ऑफ टू आयोटा, ये तो थीटा है ई की पावर आयोटा थीटा, ये क्या आएगा यह आएगा टू आयोटा माइनस एल्फा, टू आयोटा माइनस एल्फा का कंजुगेट किसके इक्वल ले लेंगे इसको जीरो के इक्वल। ये चीज जीरो के इक्वल होने का मीनिंग क्या है, यहां से हमारे पास एल्फा की वैल्यू आ गई कितनी आ गई टू आयोटा, क्योंकि ये तो जीरो होगा नहीं, ये जीरो होने का मतलब एल्फा की वैल्यू क्या आ गई टू आयोटा। ये हमारे पास एल्फा आ चुका कि एल्फा की वैल्यू कितनी है टू आयोटा, अल्फा की वैल्यू टू आयोटा ले जाके यहां पुट कर दो।
अगर अल्फा को ले जाके टू आयोटा पुट कर देंगे हम, तो ये एफ जेड जो है हमारे पास ये क्या हो जाना है, e की पावर आयोटा थीटा जेड माइनस टू आयोटा जेड प्लस टू आयोटा, ये हो गया हमारे पास एफ जेड। ओके, ये होने का मतलब अब देखते हैं अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। पहला ऑप्शन अगर देखें, पहला ऑप्शन कहता है एफ एज ए सिंपल पोल एट जेड इज इक्वल टू माइनस टू आयोटा, बिल्कुल सही बात है, जेड इज इक्वल टू माइनस टू आयोटा पे सिंपल पोल है, दिस ऑप्शन इज द ट्रू ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन कहता है टू आयोटा माइनस टू आयोटा पे एसेंशियल सिंगुलरिटी है, जी नहीं, सिंपल पोल हो गया तो एसेंशियल सिंगुलरिटी तो हो ही नहीं सकती, दिस इज द रोंग ऑप्शन। तो पहला ऑप्शन सही हो गया, तीसरा ऑप्शन रोंग हो गया। अब ऑप्शन सेकंड क्या कहता है, आयोटा और माइनस आयोटा का कंजुगेट कर लेते हैं पुट, एफ आयोटा, एफ अगर आयोटा पुट करेंगे हम तो कितना आएगा हमारे पास, e की पावर आयोटा थीटा, और ये मेरे पास क्या आएगा, ये हो जाएगा वन माइनस टू आयोटा और आयोटा प्लस टू आयोटा माइनस आयोटा, ये हो जाएगा e की पावर आयोटा थीटा, ऊपर हो जाएगा माइनस आयोटा और नीचे हो जाएगा थ्री आयोटा, आयोटा से आयोटा कैंसिल, माइनस का वन बाय थ्री ई की पावर आयोटा थीटा, ये वैल्यू आ गई। एफ ऑफ माइनस आयोटा पुट कर लेते हैं, e की पावर आयोटा थीटा माइनस आयोटा करेंगे तो माइनस आयोटा माइनस टू आयोटा माइनस आयोटा प्लस टू आयोटा, तो ये हो जाएगा e की पावर आयोटा थीटा माइनस का थ्री आयोटा डिवाइड बाय आयोटा, आयोटा से आयोटा कैंसिल, तो ये हो गया माइनस का थ्री e की पावर आयोटा थीटा। क्या लेना है इसका कंजुगेट, इसका कंजुगेट लेने का मतलब क्या है हमारे पास, ये हो जाना माइनस थ्री ई की पावर माइनस आयोटा थीटा, ये आ गया। ओके, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन क्या कहता है, एफ ऑफ आयोटा की मल्टीप्लाई एफ ऑफ आयोटा के कंजुगेट से, एफ ऑफ आयोटा निकाल चुके माइनस वन बाय थ्री ई की पावर आयोटा थीटा, इसकी वैल्यू कितनी है माइनस थ्री ई की पावर माइनस आयोटा थीटा करो मल्टीप्लाई, तीन से तीन वन से, ये आ गया कितना वन, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सेकंड ऑप्शन इज द ट्रू ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन जो है वो हमारा ट्रू ऑप्शन है। आपको चलो ये बात तो आ गई समझ में, अभी फोर्थ को देखते हैं आप कैसे प्रूफ करते हो, फोर्थ में तो पक्का पजल होगे, मैं कहूँगा तुम चाहते ही क्यों है मैं पजल हूँ, आपको मजा तो तभी है तब आप पजल हो, मैं कहूँगा चलो ठीक है कोई नहीं। आप कहोगे एफ ऑफ 2 प्लस टू आयोटा पे कैलकुलेट कीजिए, मैं कर लेते हैं एफ ऑफ 2 प्लस टू आयोटा इसका मॉडुलस, आप कहोगे e की पावर आयोटा थीटा इसका तो मॉडुलस अलग से, और जेड माइनस जेड, जेड कितना है 2 प्लस टू आयोटा, 2 प्लस टू आयोटा माइनस टू आयोटा अपोन में 2 प्लस टू आयोटा प्लस टू आयोटा, e की पावर आयोटा थीटा का मॉडुलस 1, ये कितना हो जाएगा ऊपर 2 आयोटा का मॉडुलस, और बाई में कितना हो जाएगा 2 प्लस 4 आयोटा का मॉडुलस, 2 आयोटा का मॉडुलस 2 होता है, और इसका करेंगे तो कितना होएगा 4 प्लस 16 20 अंडर द रूट, ये आएगा 2, और 20 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 20 को लिख सकता हूँ 2 रूट 5, और ये आएगा 1 बाय रूट 5, ये आ चुका, यानी कि एफ ऑफ 2 प्लस 2 आयोटा का जो मॉडुलस आएगा क्या आएगा 1 बाय रूट 5 आएगा, जो कि हमारा फोर्थ ऑप्शन सही है, यानी कि इसका पहला दूसरा और चौथा ऑप्शन सही ऑप्शन है। अब इस क्वेश्चन को कौन कर पाया है, इस क्वेश्चन को वो कर पाया है जिसको वो याद थी वो सारी की सारी बिट्टी जो हमारा इमेजिनरी पार्ट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो को कहां भेजती हो, यूनिट सर्कल के अंदर। तो ये जो चीजें है कई चीजें याद रखने की होती, कई चीजें प्रूफ करने की होती है, क्योंकि अब एग्जाम के अंदर इसको बना के देखने में तो तुम टाइम ले लोगे, तो ये चीजें आई होप आपको समझ में आई होगी, तो आपको जो है